वो एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए आज हम हमारे वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू डिसोल्यूशन यानी डिसोल्यूशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोर्ड एग्जाम में हमें 10 मार्क्स के लिए आता है एचएससी में। अब 10 मार्क्स के लिए हमें आता है तो कभी कभी कैसा होता है लेजर भी पूछता है और कभी कभी उसकी जर्नल एंट्री भी पूछती है, तो हमें क्या करना है दोनों को पढ़ के रखना है, यानी लेजर भी सीखना है और जर्नल एंट्री भी सीखना है। ठीक है, तो हमें यह बताना चाहिए रिजोल्यूशन में हम करते क्या है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है, टू क्लोज द फॉर्म, यानी हम हमारे फॉर्म को क्या करेंगे क्लोज करेंगे यानी बंद कर देंगे। जब हम अपनी कंपनी को बंद करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चों डिसोल्यूशन क्यों होता है, कभी कभी कंपनी बहुत सालों तक चलती है पर कुछ सालों बाद कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है। तो इसीलिए जब कंपनी एकदम खत्म हो जाती है यानी एकदम खत्म होने के उस पर आ जाती है कि अब ये कंपनी चलने वाली नहीं है तो कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो डिसॉल्व करने के लिए कंपनी के जो पार्टनर है वो लोग कोर्ट जाते हैं, वो लोग कहां जाते हैं कोर्ट, क्योंकि डिसोल्यूशन जो है वो बाय लॉ होता है यानी उसको कानूनन अपने को डिसोल्यूशन करना पड़ता है। क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको अपने कोर्ट में बताना पड़ेगा कि भाई हमारी जो कंपनी थी हम उसको बंद कर दें। ठीक है, तो डिसोल्यूशन कोर्ट में हम कोर्ट के थ्रू करना पड़ता है। तो कोर्ट वाले क्या करते हैं बच्चों, एक बंदे को भेज देते हैं जिसको रियलाइजर कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो रियलाइजर आके क्या करता है हमारे फॉर्म के सारे असेट्स को जितने भी असेट है सबको सोल्ड करेगा, और ये असेट जो सोल्ड करेगा इसी का जो कैश मिलेगा उसको वो वही कैश से पेमेंट कर देगा बच्चों। ठीक है, पेमेंट किसको पेमेंट करेगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी समझो बच्चों, क्योंकि पेमेंट होगी लाइबिलिटी इसको। इंटरनल लाइबिलिटी होगी और एक एक्सटर्नल होगी बच्चों। इंटरनल लाइबिलिटी में हमेशा लोन आएगा, किसका लोन आएगा वो पार्टनर्स का। तो याद रखिए सबको पेमेंट हो जाएगी, सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट यानी सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट हो जाएगी, जैसे कि आपका बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, अदर लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सबको पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद ही आपको अपने पार्टनर को पेमेंट करना है। सबसे पहला आप पार्टनर को पेमेंट नहीं करोगे, फिर सारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप किसको पैसा दोगे पार्टनर्स को, उनका पार्टनर्स कैपिटल लेना है आपको। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल हमें पार्टनर्स कैपिटल पेमेंट का नहीं है 12th स्टैंडर्ड में, बट आफ्टर 12th हमें आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें पार्टनर्स को लेना नहीं। ठीक है, तो हमें लास्ट में इंटरनल लाइबिलिटी को लेना है। इंटरनल लाइबिलिटी में कौन आएगा बच्चों, पार्टनर्स लोन अक्सर ऐसा आएगा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही रहती है सब में, इंटरनल नहीं रहती, तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल को देना है, इंटरनल को पेमेंट करने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है, हमारा फॉर्म क्लोज हो रहा है, हम कोर्ट से कर रहे हैं रियलाइजेशन, तो हमारे सारे असेट बिकेंगे और हम सारी लाइबिलिटी को क्या करेंगे पेमेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि हमें इंटरनल लाइबिलिटी को सबसे लास्ट में पेमेंट करनी है। ठीक है, बच्चों को हमें सारे असेट को बेचना है और सारी लाइबिलिटी को पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसका नाम रियलाइजेशन अकाउंट है, इसको हम लोग बोलते हैं वसूली अकाउंट। ठीक है, वसूली भाई है, तो वैसा ही वसूली अकाउंट है। ये क्या करता है अपने फॉर्म में क्या करता है सारे असेट को बेच देता है, डेटर से पैसा वसूल करता है, बिल रिसीवेबल से पैसा वसूल करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है सारे असेट को बेच देता है, सारे असेट को रियलाइज करता है और वही पैसों से अपनी क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर देता है। क्रेडिटर्स का मतलब लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी को भी ये क्या कर देता है पेमेंट। तो उसके लिए ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं वसूली अकाउंट, क्योंकि यहाँ वसूली हो रही है, असेट का पैसा आ रहा है और लाइबिलिटी के लिए पैसा जा रहा है। ठीक है,
तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं टू रियलाइज असेट्स एंड टू पे द अमाउंट टू लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चों, मैं लाइबिलिटीज इसलिए ले रहा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है। और बच्चों रियलाइजेशन के बाद एक और अकाउंट बनाता है जिसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। मैंने आपको बोला था कि पार्टनर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट जाएगा सारी क्रेडिटर्स के होने के बाद, तो रियलाइजेशन में पार्टनर्स की पेमेंट नहीं आएगी, इसीलिए अलग से रियलाइजेशन के नीचे आप पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओगे। उसके बाद आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी हम कैपिटल के बदले करंट भी बोल देते हैं, तो जब करंट बोलेगा तो हम करंट और कैपिटल दोनों बनाएंगे बच्चों, ठीक है। लास्ट में हम अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट और या तो फिर बैंक अकाउंट। एडमिशन में मैंने बताया हूं आपको बच्चों कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने के लिए अपने को क्या करना है, यानी बैलेंस शीट पे देखना है कि हमारे पास कैश इन हैंड है कि कैश एट बैंक है। तो जो भी चीज मेरे पास है अगर कैश इन हैंड है तो मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, और अगर मेरे पास कैश एट बैंक है तो मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। डिसोल्यूशन हमारा सही है तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारा बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा बच्चों, हमारा लास्ट में बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा तो समझना डिसोल्यूशन आपका राइट है, ठीक है बच्चों। डिसोल्यूशन में तीन टाइप के सम आते हैं, फर्स्ट जो टाइप का सम आता है वो सिंपल आता है, ठीक है। सेकेंड में वन इंसॉल्वेंट, याद रखिए ये बात को। फिर और एक आ सकता है टू इंसॉल्वेंट, उसके बाद हमें आ सकता है ऑल इंसॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ये डिसोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजों को, वन इंसॉल्वेंट रहेगा तो टैली चेंज होगा, टू इंसॉल्वेंट है तो टैली चेंज होगा, ऑल इंसॉल्वेंट तो टैली क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि आपको पता रहे कि डिसोल्यूशन में क्या क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म में हमें सबसे पहले चीज क्या बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनानी है, रियलाइज करने के लिए, किसको, असेट को, और फिर पेमेंट किसको करना है, लाइबिलिटी को, ठीक है। फिर हमारे पार्टनर्स लोन अकाउंट मैंने बताया ये भी एक अकाउंट है जो लाइबिलिटी को पेमेंट के लिए बनेगा, लेकिन वो सिर्फ किसकी लाइबिलिटी रहेगी, पार्टनर्स की, और पार्टनर लोन ही होना चाहिए बच्चों, और कुछ नहीं रहना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कि हमको कैपिटल बैलेंस पता चल जाए, कैश बैंक अकाउंट होता बनाएंगे हम लोग, उससे ये पता चलेगा कितना पैसा हमारे पास असेट से आया और कितनी हमने लाइबिलिटी को पेमेंट कर दी, ठीक है बच्चों। बच्चों मैंने फॉर्मेट बना लिया है आप लोगों के लिए, तो आपको याद क्या रखना है, जैसे हम लोगों ने एडमिशन का फॉर्मेट आमने सामने पेज पे बनाया था, वैसा हमें डिसोल्यूशन का भी जो फॉर्मेट है वो आमने सामने बनाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये साइड पे एक पेज पे, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेज है उधर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट आपको याद रहेगा, एडमिशन में हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते थे, याद है ना। तो रीवैल्यूएशन में जैसा ही रियलाइजेशन अकाउंट है, लेकिन ये बात याद रखिए कि रियलाइजेशन जो अकाउंट है आप कम से कम 15 लाइन्स का बनाएंगे, उससे भी ज्यादा बनेगा तो चलेगा, क्योंकि रियलाइजेशन के नीचे आपको एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम मैंने लिखा हूं लोन अकाउंट। पर याद रखिए ये पार्टनर्स लोन अकाउंट है, जो भी मेरा पार्टनर रहेगा उसका लोन रहा तो ही मैं ये अकाउंट बनाऊ, वरना मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। पर मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि लोन अकाउंट आपको रियलाइजेशन के नीचे ही बनाना है, ठीक है बच्चों। अब लोन अकाउंट कितने लाइन का बनाना है आपको, ये सिर्फ 4 लाइन का बनाना है, ठीक है। और ये कितने लाइन का बनाना है, 15। अगर आपको 4 लाइन बनाने के बाद लोन अकाउंट और भी जगह बचती तो रियलाइजेशन को और बढ़ा सकते, क्योंकि रियलाइजेशन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारे काम होते हैं हमारे, ठीक है बच्चों। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, सेकंड राइट हैंड साइड के पेज पे। पार्टनर्स कैपिटल में आप देख रहे हैं मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, डेबिट साइड में भी 3 कॉलम है, क्रेडिट में भी 3 है। पर अक्सर ऐसा होता है बच्चों कभी कभी डिसोल्यूशन में 2 पार्टनर्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 ही पार्टनर्स का कॉलम बनाएंगे, 3 पार्टनर्स की जरूरत नहीं है। पर अगर 3 की रहेगी तो हम 3 बनाएंगे, 2 की रहेगी तो 2 बनाएंगे, ठीक है। उसके नीचे जो अकाउंट बनेगा वो कैश बैंक अकाउंट बनेगा बच्चों। कैश बैंक अकाउंट में क्या है, या तो कैश अकाउंट बनेगा या तो बैंक, दोनों साथ में नहीं लिखना है आपको, याद रखिए बात को। हमारी बैलेंस शीट पर डिपेंड करता है कि कैश इन हैंड कुछ है कि कैश है बैंक, ठीक है बच्चों। और ये आप बना लो 10 लाइन का, फिर एक लाइन छोड़ के इसको भी आप बना लो 10 लाइन का, नीचे जगह खाली रहेगी चलेगा बच्चों, क्योंकि जब हम एक और इंस्टॉलमेंट बताते ऑल इंस्टॉलमेंट आएगा,
तो ऑल इंस्टॉलमेंट में हमें नीचे की थोड़ी जगह चाहिए क्योंकि वहां पर हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत सिंपल सम से करेंगे बच्चों, दो सिंपल सम करेंगे टेक्स्ट बुक के, फिर दो एक इंस्टॉलमेंट वाला, दो इंस्टॉलमेंट वाला और ऑल इंस्टॉलमेंट वाला, फिर हम उसके बाद जर्नल एंट्री भी करेंगे। बच्चों में एक एक प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, इसको कैसा टैली करना है वो भी बताऊंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और जरूर कमेंट करिए। आपको कोई और वीडियो, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।